नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुक्तं मंगलं वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणि मंगलम मंगलम नकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जे झाया झाय कहे कम कलंक रहे निरंजन मैत्रे परम प्रणाम। अंतरंग निर्दोष की अंतरंग निर्दोष का क्या अर्थ है? इसकी दृष्टि निर्दोष है, श्रद्धा निर्दोष है। जो अपने को आत्मा समझता है, देह से भिन्न समझता है, वही जीव देह के पोषण के लिए, इंद्रियों के पोषण के लिए, विषयों के पोषण के लिए मायाचारी नहीं करेगा। जिन्हेंबाजी बहानेबाजी मायाचारी करता है, इंद्रिय सुख के लिए करता है, काम से बचना चाहेगा, बहाने बनाता काय के लिए बता, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हमारा ये है, हम इतने थक गए हैं, हमें दवाई के लिए चाहिए। अंतरंग में कैसे जितनी भी मायाचारी करता है, केवल पंच इंद्री के विषयों के लिए, इंद्री सुख के लिए करता है। अंतरंग निर्दोष दृष्टि हुई, जिसने इंद्री सुख को सुख नहीं जाना, अतिंद्री सुख को सुख जान लिया, अब वो मायाचारी का करे। बहुत से अध्यापक होते हैं, स्कूल में पढ़ाते, ढंग से नहीं पढ़ाएंगे, काय के लिए ट्यूशन आए, ट्यूशन में है या तो उनकी कॉपी में से देख लेना, तुम उनको देख लेना, ये दो दिन में कर लेना, फिर आ जाना, फिर कर लेना, ये मायाचारी काय के लिए। मैंने ड्यूटी पालन क्यों नहीं करना चाहता, ऐसे देखता रहेगा, देखे जब हो गया तब आके खड़े हो गए, ये मायाचारी काय के लिए। इतनी भी मायाचारी होती है, केवल इंद्रिय सुख के लिए, शरीर के लक्ष्य होती है। आप सर्वेक्षण करके देखना और आत्मनिरीक्षण करके देखना, चुप रह जा, माया गूंगी होती है, चुप रह जाता है तो चुप रह करके फिर हो ये नहीं है उसके ऊपर विचार करके उसका चुप, फिर मनमानी करता है, दूसरे दिन फिर अपने वही काम करने लगे, अपन को कोई मतलब नहीं, कहने दो इनका काम कहने का, हमारा काम हम कर रहे हैं अपना काम। ये मायाचारी क्यों होती बता? अब हम सब दोष छोड़ देंगे, तुम्हें पता भी तो है नहीं दोष का, छोड़ोगे क्या? कौन से दोष छोड़ना है तुम्हें? तुम्हारे में क्या दोष है लिखो तो सही, कम से कम बैठ करके छोड़ोगे क्या ये बता? भैया हमारे रुपया ला, दे देंगे, कितने काहे के, वो कैसे दे देंगे, बस खत्म। मतलब बिना समझे वैसे ही हाँ 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 खुश करने की दृष्टि से करना, मायाचारी नहीं है तो क्या है? अभी हम ऊपर बैठे बोले बोले आप थके हो, हम स्वाध्याय की नहीं कहेंगे आज से, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? स्वाध्याय की नहीं कहोगे तो नहीं कहो ना, ये कमी तुम्हारी है जो हम नहीं कहेंगे, ये कमी किसकी है हम कहेंगे नहीं। मतलब अंतरंग में अभिप्राय क्या चल रहा है? अरे भाई खुद ही आ रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, हम माने ये उल्टी बात क्यों बोल रहे हो? जब एक व्यवस्था बनी है, ये कोई काम नहीं मानता तो इनसे कहो नहीं, हम खुद करने लगे, इसका मतलब क्या होगा? एक प्रशासक होता है, शासक का मतलब ये ऊपर प्रशासक होता है ना, प्रशासक नीचे वाला नहीं मानता तो उसे कहा जाता, उसका काम है वो निर्णय लेगा, कहेगा काम का, अपन खुद निर्णय लेने लगे, खुद करने लगे, इसका मतलब क्या बोलो?
अंतरंग निर्दोष के, अंतरंग निर्दोष चाहिए। तुमने आर्यभ धर्म के निबंध में पढ़ा है, बारिश जी का निबंध पढ़ा है? हाँ जी, देखो थोड़ी धीरज। मन में हो सो वचन उचरिए, अगर पापी जी वैसे होने लगे, करने लगे तो आग लग जाए, किसी माता बहन का सील सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाए। मन में हो सो वचन से बोलने लगे, वचन हो सो तो कन से करने लगे। हो सो में हो सो उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। इसके लिए तो मुनिराज की वृत्ति चाहिए, निर्दोष वृत्ति चाहिए। मन में हो सो वचन से निकल फूल ले, मतलब ये है मन में वही विचारो जिसको कह न सको, कहने में संकोच नहीं हो। कई लोग ऐसे रहते हैं, कई का सोच रहे कछु नहीं, घबरा जाएंगे, इसका मतलब उल्टा सोच रहे। हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारे जीवन में आर्यभ धर्म कैसे आए। अब आप घबराओगे नहीं, लेकिन उल्टा उल्टा सोच रहे, का सोच रहे, क्या कछु नहीं, क्या कह रहे, कछु नहीं। ये कछु नहीं इतना गोल मोल शब्द है, ये आप है, ये कुछ नहीं। आप अपने बच्चों से भी सावधान है ना, क्या कह रहे, कछु नहीं, कहां गए थे, कहूं नहीं, क्या कर रहे थे, कुछ नहीं। सबका आपका उल्टा मार्ग चल रहा है। इस तरह की भाषा बोलने से हमको बहुत बहुत बचना चाहिए। स्पष्टवादी का मतलब ये नहीं है मोहफट, अपने कसाय की पूर्ति के लिए चटपट छटपट जो कुछ मन में आया सो कह दिया। हम स्पष्ट कहते हैं, स्पष्ट का मतलब ये है मिष्ट भी चाहिए फिर स्पष्ट। उत्तर देने के लिए प्रश्न को भली प्रकार से समझना चाहिए। बहुत से बच्चे प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं और उत्तर लिखते हैं तो गलत हो जाता है। हमने पूछा ये कहाँ है, कि बस अब बात कर, कल की बात कर। और बड़ी जीवन गाथा में एक चर्चा आई है, बड़ी जी पढ़ते थे तब उन्होंने अपने छात्र जीवन की बात लिखी। एक दिन मन में आ गया जाने क्या, तो एक पत्र लिखा, भाई की तबीयत खराब है सो चले आ, और हमें डाल दिया डिब्बा में। दूसरे दिन वो मिल गया, सो जाकर के उनसे कहा, पंडित जी से बोले साहब वो भाई जी की तबीयत खराब है, चले आ। बोले चले आ, लौट के आ तो हमसे मिलना, मिलते आना। वे आगरा में रहते थे, वे मथुरा में पढ़ते थे, लौट के आ तो हमारे पास होकर के आना। लौट के आए, उन्होंने पूछा क्यों तबीयत कैसी है, कि तबीयत ठीक है, हैं? तो उन्होंने एक बात कही, उपाध्याय से नट से धूर्त से हैं मायाचारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया तो इन्हीं के द्वारा निर्मित होती है। तुम हमसे मायाचारी करते हो, हैं? गुरसों कपट, गुरसों कपट, मित्रसों चोरी। गुरु से तो पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए, पढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या पढ़ाओगे तुम, हैं? हमारे अध्यापक कह रहे थे, बेटा तुम जो जितो पढ़ाते ना उतनो हम भूल गए। ये तुम्हारा मौन रह जाना, योग्य उत्तर न देना, नहीं वचन नहीं, ये तुम्हारे अंतरंग के मायाचार को प्रकट करते हैं, अनादर उपेक्षा भाव को प्रकट करते हैं। अंतरंग निर्दोष का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? बोलो, निर्दोष दृष्टि, दृष्टि का मतलब निर्दोष श्रद्धा। शब्द तो तुम दोहरा लोगे और कह लोगे, लेकिन उसका भाव तो समझ लो। निर्दोष दृष्टि का मतलब क्या है, निर्दोष श्रद्धा का मतलब क्या है? अपने को आत्मा समझना, शरीर नहीं समझना।
अब कहना तो सरल है, तुम भी दोहरा दोगे, क्लास में दोहरा दोगे, प्रवचन में दोहरों को समझे, दूसरों को समझे, लेकिन अकेले में बैठ करके विचार करने की बात कहाँ है। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बार बार विचार करता, वो तो करने की बात ही नहीं है। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि 20-20 वर्ष सुनते सुनते हो गए, लोगों के आचरण क्यों नहीं बदले, कि विचार में नहीं आता, विचार ही नहीं करती, अपना दूसरा काम करते, अपने को समझ करके अहंकारी होकर के अपने जो मन में आया सो कर रहे, जो कहा जाता है उसके ऊपर विचार ही नहीं करते, और विचार करते हैं तो उल्टा करते हैं, हमें क्यों करते, हमसे क्यों कहते, हमारा ऐसा क्यों, हमारा ये अभिप्राय नहीं। अब जी विचारों से क्या होगा, विचारों से होगा क्या, गुरुओं के कहे हुए अर्थ का अंतरंग में बारम्बार विचार करते हैं, अपनी कल का उनको काटने का, उनको निषेधने का विचार तो नहीं करते। अब आचरण में कहां से आ, विचार में ही नहीं आए तुम्हारे। बिना बने हैं चांडाल से विद्या सीखनी थी, चांडाल ने कहा ऐसे थोड़ी सीखी जाती है, सिंहासन पर हमको बैठा, तुम नीचे बैठा तब सीख पाओ। इस बच्चे से भी अगर कुछ सीखना है तो इस बच्चे को बड़ा समझो और अपन को छोटा समझोगे तब सीख पाओगे, और अगर बड़ा नहीं समझोगे और छोटा नहीं समझोगे अपने को तो बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, कतई नहीं सीख पाओगे। आज ये प्रवृत्ति हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ती चली आ रही है, चुप रह जाना और अपने बरका देना, लौट फिर करके वही काम फिर कर लेना। छोटे से बच्चे हैं हमारे, छोटे बस गए अपने, उन्हें कहा भग गए और दूसरे दिन आकर के उसी टाइम पर फिर अपने करने लगे। अब इनके संस्कार क्या होंगे और ये क्या उन्नति करेंगे और क्या सीखेंगे, हमें तो उम्मीद नहीं। आपने ये क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या करना है, उसके बाद में आगे पीछे मतलब बैठ करके विचार करना बिना वो, सॉरी ये कोई औपचारिकता नहीं है, सॉरी अंग्रेज हो गए या लंदन में चले जाओ, अंग्रेज हो गए हो तुम्हें गलती का कुछ एहसास नहीं है, गलती क्या हुई है दूर करने की तो कोई बात ही नहीं होगी। जब तक बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, अब तुमने दोष जाने नहीं, अभी भी तुम्हारे मन में यही आता हमारी की बता हम क्या करें, हमारी क्या गलती है, हम तो कर रहे हैं, हमें कोई करने नहीं देता, इनसे मने कर देते, जी हाँ कर देते, वे मने कर देते, जी हाँ कर देते, हमारी क्या गलती है, अब बता जी और ते और हाँ और ना और हमारी क्या गलती है, या बोलो तुम वहां बैठे हमारी क्या गलती है, उन्हें कहा तो तुम भी तो कह सकते नहीं भैया आप आ जा, हम तो बैठे, उन्होंने मने कर दिया, तुम भी तो मने कर सकते थे। लेकिन क्या कहेगा, रसना इंद्री की नंबर ही वो ज्यादा रख दिया, तो तुम छोड़ भी तो सकते थे, ज्यादा रख दिया तो उनका प्रेम था, आग्रह था, बात्सल्य था, अरे एक रोटी और खा भाई, एक सब्जी और ले लो थोड़ी, लेकिन तुम्हें भी तो अपना पेट देखना था, तो तुम छोड़ भी तो सकते भैया, अब नहीं खवाएगी भाई, तुम्हें उस सब्जी के खराब होने का डर है, पेट खराब होने का डर नहीं है, परिणाम खराब होने का भय नहीं है तुमको, एक समय के परिणाम का फल कहां भोगेगा, नरक में फिर यंच में कहां भोगेगा, बताओ ये दुर्व्यवहार क्यों हुआ यशोधर मुंडाज के साथ, ये चेन्ना के गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, ये नहीं समझा के गुरु हैं, और चेलना ने हमारे गुरु का अनादर किया था, अब हम इन्हें देखते हैं। तो चेलना के गुरु क्यों दिखाई दिए, तुम्हें अपने गुरु क्यों नहीं दिखाई दिए, श्रद्धा विपरीत हो गई। गुरु होता है वह सबका होता है, सब जगह होता है, सर्वत्र होता है, सब प्रकार से होता है, गुरु माने गुरु, तुम्हारे गुरु अलग, हमारे गुरु अलग,
तुम्हारे देव अलग, हमारे देव अलग, तुम्हारा स्वरूप अलग, हमारा स्वरूप अलग, ऐसा तो नहीं होता। और जब तक मौन रहोगे और कुछ नहीं कहोगे और कुछ कुछ नहीं सोचोगे, उसके ऊपर विचार नहीं करोगे, आपका जीवन बर्बाद होता रहेगा। प्रकार से सभी प्रकार से हम आपसे फिर कहते हैं कि हम क्षमा करेंगे, तुम क्षमा करोगे, लेकिन कर्म क्षमा नहीं करेंगे। कल की तो बात है, तुरंत माइक बजने, अब बोलो, अब कौन अंतरा करेगा, बताओ अब क्या करें। हमने सोचा भी चलो बैठे, लेकिन अब क्या करेंगे। और कोई एहसास नहीं, कोई बात का कोई खेद नहीं, कुछ नहीं, उन्हें आराम से चलो बढ़िया बोले, एहसास तक नहीं। हाय ये अंतरा, हमारा कर्म कैसे मिटे, इन कर्मों का नाश कैसे हो। विपाक विषय धर्म ध्यान लिखा है, शब्द कहता है हमारा उदय है, और अंतरंग में जानता है सामने वाले की गलती है, ये माया क्या है, क्या करे, हमारा ही उदय है। झूठ बोलता है तुम्हारा तुम्हें दिखाई दे, तो फिर आगे की बात कल जो कही थी वो आना चाहिए। रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं, पिताजी का कोई दोष नहीं, हमारा ही उदय माने तुम्हारा कोई दोष नहीं। और नहीं तो अनेकांत नहीं बना, उदयवादी भी, भाग्यवादी, कर्मवादी जो मीमांसक होते हैं एकांत मिथ्यासी होते हैं, नियतवादी भी एकांत मिथ्यासी होते हैं, सर्वथा मानते हो तुम उदय। उदय का विचार करके समता रखना चाहिए, उदय का विचार करके प्रमादी होना चाहिए, ये तो नहीं लिखा। विचार तो करो, आगम को पढ़ना नहीं आता, तेरे सच्ची दृष्टि हो तब पढ़ना आएगा। सच्ची दृष्टि का मतलब क्या बताया था, स्वभाव दृष्टि, तत्व दृष्टि और आत्महित पर दृष्टि हो, तुम्हें अपना हित करने की गरज बनेगी, तब ये सारी बातें खुरापातें छूटेंगी। खाली दिमाग शैतान का घर है, ये घूमया मन, चलो घूमया, चलो वहां चले जाए, चलो ये कर लें, चलो अपने आराम से सो जाए, चलो अपने जी पढ़ लें, जी पाठ कर लें, जी वो स्वाध्याय कर लें, चलो अपन अपन पूजा कर लें, बस ये लगे रहेगा और कुछ नहीं होगा। भैया रूढ़ी की क्रियाओं में धर्म नहीं है, देखा देखी धर्म नहीं है, व्यवहार भाती में पढ़ लेना था, निश्चय भाती में पढ़ लेना, अपने को मैं सिद्ध समान हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसा कुछ चिंतन सा करके, जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो जाए, अनुकूल भोजन आदि करके, खीर खांड खा करके प्रमादी हो जाए, ऐसे ये जीव अनुकूल अनुकूल बना करके बस तू सोचता ठीक। क्रोध भी काय के लिए होता, परद्रव्य को अपने अनुकूल पढ़ना माने के लिए, परद्रव्य को अपने अनुकूल पढ़ना माने के लिए क्रोध है, मान भी काय के लिए है, परद्रव्य को अनुकूल समझ करके, ये हमारे अनुकूल है, ये हमारे अनुकूल है, हमारी सब अनुकूल है, सब अनुकूल व्यवस्था, सब अनुकूल है, हमारे सब अनुकूल है, हमें तो सब अनुकूलता है। अरे अरे अध्रुव है, विनाशी है, ये कब सोचोगे, ये मायाचारी है तुम्हारी। तात्विक दृष्टि से आप सोचिए समझिए, जब उलझन आती है तो आप जानो हैं, जब सुलझन आती है तब वैसे अपन करने के लिए तैयार, अपन निर्णय लेते, अपन करने लगते अपने हिसाब से, और जब कोई उलझन आती है उन्होंने ऐसा कह दिया, बताओ हम क्या करें, अच्छा तो तुमने क्या किया, तुमने भी उनसे पूछे बिना किया क्यों। सोचना समझना, अंतरंग निर्दोष का मतलब यह है निर्दोष श्रद्धा, निर्दोष ज्ञान और निर्दोष आचरण। निर्दोष श्रद्धा का मतलब बोलो 25 दोषों से रहे, निर्दोष ज्ञान का मतलब संशय विपर्य नहीं रहे, मतलब
अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार से रहित, मन भी मलिन न हो कभी व्रत के प्रति, स्वप्न के नियम के प्रति, प्रतिकूलताओं में उत्साह हमारा गिरे नहीं, धर्म कार्य। इसे क्या मतलब? सेठ जी से कहा, सेठ जी व्यापार में इतना घाटा हो गया, और ले लो और करो व्यापार, वो घाटा कवर करेंगे। सावधानी तो रखेंगे, घाटा क्यों हुआ है, लेकिन घाटे के लिए रोने न, और व्यापार बंद थोड़ी कर देंगे। अरे घाटा हो गया तो कोई ही असावधानी से हो गया या पाप कर्म के उदय से हो गया है। अब हम उस घाटे को लक्ष्य में लेकर के व्यापार बंद कर दें तो घाटे ही घाटा धरा, व्यापार थोड़ा ही हुआ है, तृष्णा के कारण घाटा हुआ है, देखा देखी के कारण घाटा हुआ है, पाप के उदय से घाटा हुआ है। अब व्यापार बंद कर दो तो क्या हो, घाटे ही घाटा था। ऐसी प्रतिकूलताओं में धर्म ध्यान थोड़े ही छोड़ेंगे, ये बात तुम्हारी लिखी है कि नहीं, कथा छोड़ेंगे धर्म कार्य नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारी प्रति क्या है, हम तुरंत काम छोड़ देंगे, कथा नहीं छोड़ेंगे। काम छोड़ दोगे तो कथा की ज्वाला में जलते रहोगे, और कसाय छोड़ दोगे तो प्रसन्न हो जाओ। कसाय माने जो आत्मा को कसे अर्थात तो दुख दे, आप कसते तनते रहोगे और दुखी बने रहोगे, अपने आप आपको हीनता लगने लगेगी। कर क्या कह रहे पता, अब हम सेवा नहीं कर पा रहे, हम सेवा नहीं कर पा रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं और लगा क्या है, वह नहीं कर पा रहे। अपने आप ही किसी ने कुछ कहा, इनने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, लेकिन क्यों लगने लगा, क्यों लगने लगा? भोजन करने में ऐसा लगने लगेगा हम फट को खा रहे, सही बता रहे हम ये बात है। बाबा जी हमारे कहते थे, देखो भैया दो रोटी खवा रहे, कछु हमसे सीख ले, पढ़ ले, लिख ले, हम कार रोटी खाए बैरी पर बैरी पर हम चले, हम जा रहे भैया दूसरी जगह जाएंगे, इन कोई सीखे समझे वाले पढ़ने लिखने वाला कुछ है नहीं, कार रोटी खाए भी चलो पड़े हम यहाँ। कल हम तुमसे ही तो कह रहे थे, किससे कह रहे थे हैं, रोटी किसके घर नहीं है, रोटी खाने के लिए थोड़ी यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ तत्व के लिए, अपनी कथाएं को मिटाने के लिए, मोह को तोड़ने के लिए बैठे हैं। मोह जहाँ की तहाँ बैठा रहे तो क्या मतलब निकला? ध्यान रखना, जब तक दृष्टि दोष है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व माने ये लगता है यही हम हैं, और ये हमारा पैसा है, ये हमारा पद है, ये हमारी प्रतिष्ठा है, ये हमारा सुख है, बस खत्म। तब तक अनंतानंदी माया भी नहीं मिटेगी। प्रत्येक 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 तो बहुत दूर है, अनंतानंदी माया भी नहीं मिटेगी। अनंतानंदी माया का मतलब ये है, देव गुरु धर्म के प्रति भी हमारा व्यवहार नहीं बनेगा, उनके प्रति भी अयोग्य बना रहेगा, उनके से भी अभिमान बना रहेगा, क्योंकि माया के लिए तो होगी नहीं, माया मान लोग सब इकट्ठे होंगे, जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। अंतरंग निर्दोष क्या मतलब, अंतरंग निर्दोष, अंतरंग निर्दोष माने ऐसे कर दे इतना निर्दोष, बच्चे का मत जैसे का हो। अंतरंग निर्दोष का मतलब ये है कि हमारी दृष्टि हमारी श्रद्धा निर्दोष होना चाहिए। क्यों पड़ गए बोलो, ये हमारा बच्चा है, ये भतीजा भाई का, वही काम अगर ये करें तो बुरी बात है, अच्छा है, अच्छा नहीं, और वही हमारी बहने या हमारी बहन या हमारा कोई रिश्तेदार कर ले कुछ, अब क्या करें, क्यों का तो जाट घुस गए हम भीतर अनुमोदना करने, ये बता आखिर ये कहां से आ गया ये मोह। अंतरंग अंतरंग निर्दोष, अगर अपना बच्चा वही काम गलती करे तो अब क्या करें, बच्चा है, और दूसरे का बच्चा करे तो बच्चा बच्चा कहेगा,
आज ये बताओ ये भेदभाव क्यों आ गया? ये गप्पे नहीं है, अगर गप्पे लगती हूँ तो सच कह रहे हैं, आज ही यहाँ से चले जाना चाहिए। जय जी, जब गप्पे हैं तो आज ही यहाँ से चले जाना चाहिए बिल्कुल उठा करके। और अगर ये लगता है ये सही है तो बिल्कुल विचार करके अपनी जीवन के एक संकल्प से खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं, ये दोस्त छूटेंगे, ये नहीं है आज तो वह, या तो पद्मनाभ रहेगा या हम रहेंगे। पद्मनाभ की खैर नहीं, अब इन दोस्तों की खैर नहीं है, जैसे इतना संकल्प आना चाहिए, इतना बल आना चाहिए। ये क्या स्वभाव है सो नहीं छूटेंगे, क्या ध्रुव है सो नहीं छूटेंगे? वे छूटते ही नहीं है, वे छूटते ही नहीं है। अरे तुम छोड़ते नहीं हो, प्रतिज्ञा करो, कम बोलेंगे, व्यवस्थित बोलेंगे, बड़ों से आदर से बोलेंगे, छोटों से स्नेह से बोलेंगे, पक्षपात से नहीं बोलेंगे। प्रतिज्ञा करने के बाद भी तो अतिचार लग जाएंगे, अतिक्रम लग जाएंगे, हैं थोड़े थोड़े दोस्त लग जाएंगे, कभी छूट जाएंगे, फिर उनका प्रायश्चित करेंगे। और जब तक तुम नियम ही नहीं बनाओगे अपने जीवन में, इसका मतलब है आत्महित करना ही नहीं। सुदश तरंगणी में कैसे लिखा होगा, मानार्थी और धर्मार्थी दो प्रकार के विद्वान, दो प्रकार के पंडित। धर्मार्थी तो जिन्हें अपनी परिणति निर्मल हो उस प्रकार से कार्य करना है, और मानार्थी तो जिस प्रकार से उनका अभिमान पुष्ट होगा, जिस प्रकार से अपनी प्रमाद पुष्ट होगा, रसना इंद्रियां पुष्ट होंगी, स्पर्शन इंद्रिय पुष्ट होगी, उस प्रकार से प्रवर्तेंगे, उनका हित होना संभव नहीं। पंडित टोटामल जी का वाक्य बोलो, जो जीव सांसारिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, अर्थात बोलो, बढ़िया अर्थ बोलना, बस इतना ही कहेंगे, बता, इंद्रिय सुख का पोषण करना चाहते, इंद्रिय सुख का पोषण, अनुकूल प्रवर्तना चाहते, प्रमाद का पोषण करना चाहते, अपने अहंकार का पोषण करना चाहते, वे मिथ्या दृष्टि तो हैं ही, पापी भी हैं, उनका सुलझना कठिन है। देखो कैसे लिखा हुआ, कितनी कठोर भाषा है, वे मिथ्या दृष्टि तो हैं ही, पाप उनके उनके ना कठिन है। अब आप समझ लेना किसके लिए लिखा है, ये हमारे लिए लिखा है तो हम सुधरेंगे, और तुम सोचोगे हमारे लिए लिखा तब तुम सुधरोगे, सुधार करेंगे, सुधार होगा, होगा सुधार, दिखाई देगा अपन कसाय के प्रसंग टालेंगे, माने कसाय के निमित्त द्वेष करके हट जाएंगे, ये कसाय के निमित्त टाले, द्वेष राग छोड़ने जाएगा, द्वेष होगा तत्व ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना राग छोड़ने जाएगा द्वेष होगा, व्यवहार छोड़ने जाएगा अनाचार होगा। जिस भूमिका का जो व्यवहार है, जिस भूमिका की जो पर्ण है, उस प्रकार का व्यवहार बरतना चाहिए। पंडित जयचंद जी टीकाकार थे, इसके हिंदी टीका की है, समयसार जी वगैरह ग्रंथों की, सर्वार्थ वचन का, सब वचन का क्या लिखा, व्यवहारी जीव को व्यवहारी शरण है, व्यवहारी जीव को व्यवहारी ही शरण है। छोड़ने से थोड़ी छूटता है, अब तुम बे ऐसे पाटो वो खुंट को सोई, फिर खून निकले, फिर खुंटो है, फिर खून निकले, फिर खुंटो है, जब वो भीतर से पक जाएगा ना, ऐसे अपन ऐसे कर रहे हो ऐसे निकल जाए और दाग तक नहीं रहेगा, और तुम बैस छुड़ाए भी कोशिश करो, वो काला काला बुरा लगता है, छुड़ा फिर को और ज्यादा भीतर गहरा होता चला जाए, तुम राग छोड़ने जाओगे, व्यवहार छोड़ने जाओगे, शुभ छोड़ने जाओगे, अशुभ में प्रवृत्त होगे, छोड़ने जाओगे अभिमान में प्रवृत्त होगे, सरलता छोड़ोगे कुटिलता में आ जाओगे, संतोष छोड़ोगे लोभ में आ जाओगे। ये खेल खिलौना नहीं है, बड़ों की शरण में रहने का है बड़ा फल है, बड़ा फल है।
भटक नहीं पाते, गिर नहीं पाते। वही मेला है, वही व्यवस्था है। बच्चा माँ की उंगली पकड़े चला जा रहा है, अपना हंस रहा है, देख रहा है, खिलौना फिलौना ये सब का था, और जरा एक उंगली छूट गई, बता मेला बन गया कि रोना बन गया बच्चा। अब ढूंढता फिर रहा, उस मेले का आनंद कहाँ गया? जरा सी उंगली छूट गई बस, और तो कुछ नहीं हुआ। कमीज नहीं छूट गई, जो नई कमीज पहन गया वो तो नहीं छूट गई, उंगली तो छूट गई। अरे उंगली छूट गई, अब सब छूट गया, अब क्या करें, अब कहाँ जाए, क्या करें, को खवाए, कहाँ खाए, क्या करें, सब छूट गया। वो होश नहीं है तुम्हें, विचार करो। सरलता माने क्या है? अपने दोष को समझकर सहज भाव से स्वीकार कर लेना, अपने दोषों को छोड़ने के लिए उद्यमी होना, कमर कसना, प्राण जाते हुए ऐसा दोष ना हो जाए तो हो जाए वो, लेकिन उससे हल्का होगा, ध्यान रखना। जैसे बुखार के बाद डॉक्टर कहता अभी 2-3 दिन और आ सकता है, लेकिन हल्का आएगा, अब 4 तक नहीं बढ़ेगा, 3-3 घंटे नहीं रहेगा, अब वो जरा सा आकर के धीरे धीरे मिट जाए। दृढ़ रहना नियम और संयम में, सरल बनो, भोले नहीं, चाहे किसी की बातों में मत आ जाओ, चाहे किसी की बातें मत है, चाहे किसी का विश्वास मत करो, है शंकाशील भी मत बने रहो, लेकिन चाहे किसी का विश्वास भी मत करो, निर्णय रखो। ये सारी बातें आपकी समय समय पर कहीं नहीं है, हैं पढ़ो, विचार करो। हाँ, अपना दोष छोड़ने में, जिद छोड़ने में सरल होना चाहिए, हर जगह सरल, स्वरूप स्वीकार करने में सरल, भवितव्य को स्वीकार करने में सरल, जो उदय है उसको स्वीकार करने में सरल, सरलता से आज मैं सब्जी नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, चलो ठीक, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी प्रार्थी है, उस बच्चे को कड़वी ककड़ी दे तू खा ले, खा गया बेचा है। मालिक ने कहा क्यों कड़वी ककड़ी ऐसे खा गया जैसे कड़वी नहीं है? बोले रोज आप मीठी देते थे, मीठा चीज भोजन देते थे, तो जब आप प्रसन्नता आती तो एक दिन कड़वो का बात है, कब बात का है? अरे जैसा उदय है, जैसी सामग्री है, जो है तो है, कोई बात नहीं, बड़ी उल्लास से, बड़ी प्रसन्नता से, बिल्कुल हतोत्साहित हुए बिना इस आराधना के मार्ग में लगना। ये खेल खिलौना नहीं है, बातों का जमा खर्च नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है। अनंत पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ जाए। नमः। थे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए गोपा गोपा सुख थे, भवानी के ज्ञान से सुझे लोका दो, सोवाणी मस्तक सदा चेत हूँ धो।